गाइस ये कैंसर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये यहाँ पहुँच गया है, यहाँ भी एल्विश भाई के आगे और कोई पहुँच सकता है क्या? एल्विश भाई, बंद करो। ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एल्विस भाई भी अब खुद बोलना बंद कर देंगे। जागते मेरे दिमाग के अंदर बज रहा है ये इंसान। गाइस आज हम काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो गाइस एल्विस भाई बॉयज बैक। एल्विस भाई, उस बंदे ने खुद के अपने मीम्स के ऊपर रिएक्ट किया है, वो भी देखेंगे। उसके बाद उग्र इंसान वर्सेस एल्विस यादव चल रही है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और गाइस एल्विस भाई के आगे कोई बोले ना बोले, लेकिन मुंबई पुलिस क्या गई, ये लड़की बहुत बोल रही थी, हिम्मत क्या छोड़ी मेरे को गाड़ी चूड़ने की, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी को पता रहेगा कि ये टाइम पे मैं बहुत गंदा ट्रोल हो चुका हूँ, बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा भी। अबे सिर्फ कमेंट नहीं आ रहे, तेरे चिल्लाने की आवाजें आ रही है लोगों के कानों में, सोते जागते हैं एल्विस भाई चल रहा है। और भी कुछ अच्छा भी हो रहा है, बट है ना, मेरे को ना अभी एक गाना याद आ रहा है, मैं बोलूं क्या? गाइस बकचोदी करना गलत बात नहीं है, लेकिन तीन इंसानों को बैठ के चलती बाइक पे बकचोदी करना बहुत गलत बात है। ना हेलमेट पहना है, ना सामने देख के चला रहा है, किसी ठुल्ले ने पकड़ लिया, मारते मारते मुंह निकाल देगा वहीं। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर भी देखेंगे। तमाशा बाद में देखियो, पहले सामने देख के बाइक चला ले सतर्मुर्ग, नहीं तो तेरी मौत का तमाशा हमें देखना पड़ जाएगा फिर। ये भाई इसके मुंह पे कोई दो मग्गे पानी लाके डालो तब इसका नशा उतरेगा, या फिर जो पीछे बैठा है इसका कच्चा सूंघा इसके तबने से टूटेंगे भाई। नहीं तो ये बाज नहीं आने वाला ना, ये अपनी मौज में जी रहा अपनी जिंदगी। पढ़ा लो ये, देखो जोक सोसाइटी से गाली वाली मत दो यार कमेंटमेंट सेक्शन में, सीधे घर पे जाके दो। अरे नहीं, इतना टेंशन देने की जरूरत नहीं है यार, बहुत ज्यादा दे दिया हम लोग ने। लेकिन यह अंडल इंसान भी कम बकैत नहीं है, साला रिप्लाई वीडियो बना रहा वो भी उल्टी। यही तो है जिंदगी का असली फन दोस्त, तुम्हारा हम तो चूतिया है। वेट गाइस, मेरे पास बेटर स्टोरी है तुम्हें सुनाने के लिए हेलमेट और बाइक की, साथ में लड़की भी इंक्लूड है उसमें। सो देखो होता क्या है, तुमने शायद देख ली होगी वायरल वीडियो। देखो मुंबई में बैंड्रा में एक वो है सीलिंग, आज तक मुंबई नहीं गए ऐसा दिखता, मैं भी नहीं गया, अच्छा दिखता गाइस। हमको सिखा रही है। तो ये जो सीलिंग है हमारे तुम्हारे लिए है ये फ्लाई ओवर, तो इस फ्लाई ओवर के ऊपर टू व्हीलर अलाउ नहीं है, जैसे कि बहुत जगह नहीं होता है रोड पे टू व्हीलर अलाउ, ऐसे यहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे एक लेडी कबीर सिंह बन के भाई अपनी बुलेट चढ़ा देती, पुलिस रोक ले, पुलिस की फिर सुनने तैयार नहीं, जिंदा ड्रामा खड़ा कर देती है, वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल नहीं, नौकर नहीं हूँ मैं आपकी, टैक्स भरते हूँ, मेरा हक है इस ऑफिस में खड़ा होना। एक काम कर फिर, यहीं बिस्तर बिछा के यहीं सो जा, टैक्स भरते हैं तो। नरेंद्र मोदी का फोन आएगा, नुपुर गाड़ी बंद करके कर दूंगी मैं। बहन भाई कौन से नशे में है ये बुलेट की टंकी में नाक दे के पेट्रोल के नशे करती। मोदी जी तुझे ही तो कॉल करेंगे, मेलोनी को ना खल लेंगे, उससे बात नहीं कर लेंगे चार प्यार भरी। बाबू मैं दोबारे मिलन नहीं दे सकता, बाबू लड़कियों को मार डालते शहर, मुझे पता मारने की पूरी पूरी दुनिया पीछे पड़ी मेरे को मारने के लिए, ये गाड़ी रुकेगी नहीं, बैठ जाओ पीछे बैठ जाओ। नथिंग गाइस, ही इज जस्ट अनदर रागी सावंत। देखो बकचोदी करना गलत बात नहीं है, लेकिन पुलिस से बकचोदी करना बहुत गलत बात है। इसकी हरकतें देखने के बाद पुलिस वालों ने सोचा था होगा फीमेल कांस्टेबल को बुला के इसे फिरवाते, इसके थप्पड़ पड़वाते पहले, लेकिन शायद फिर उनके दिमाग में होगी एनिमल एब्यूज करना सही बात नहीं है। मुक्ति निकल सकती हूँ मैं, ऐसी क्रिमिनल हूँ मैं, क्या मतलब पड़ता है, नेवर डू ड्रग्स नेबर। एक पुलिस वाले के सामने तुम खुद को क्रिमिनल कह रहे हो, भाई बदमाशी की हद पार कर दी है आंटी ने, दीदी ने, सॉरी। देखो मैं मानता हूँ इसको ये लग रहा होगा जब इस रोड पे कार्स जा सकती है तो मेरी बाइक क्यों नहीं जा सकती, ठीक है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सही जगह जाके लड़ो, ये भीत सड़क में धूप में खड़े होकर पुलिस वाले के साथ नहीं लड़ो, क्योंकि पुलिस वाले ना बहुत आरामी होते हैं, इनकी गुद्दी घूम ही रहा बहुत मारेंगे बहुत ज्यादा। प्रशासन पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये है देखो गाइस बूमर एंपावरमेंट, सूडो फेमिनिस्ट की देवी है ये, देवी पूजा करते हैं इसकी फोटो लगा कर रोज वो लोग। आर्किटेक्ट नूपुर पटेल, अपने खुद के ऑफिस जा रही हूँ, हिम्मत नहीं तेरी रोकने की। नहीं गलत फहमी में तू, अब ऑफिस नहीं जा रही है, पुलिस स्टेशन जाएगी तू अब। अरे यार
यार इसे भाई कुछ बीमारी है, इसे पुलिस स्टेशन नहीं, पहले मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ, इसका इलाज विलाज कराओ। बात तो सही है गाइस, जैसे कि तुम्हें पता आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप फाइनली लाइव हो चुका है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं और परी मैच उसी एक्साइटमेंट को ले आएगा हमारी फिंगर टिप्स पे। भाई एकदम परफेक्ट टाइम अपनी फेवरेट टीम को चीयर्स करने का और प्रेडिक्ट करके विन करने का। परी मैच पे यू कैन एंजॉय फास्ट एंड इजी रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, 5 रीजनल लैंग्वेज से भी ज्यादा यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी, समझने में आसानी समझो कितनी होगी, हैसल फ्री बैट्स और क्विक विड्रॉ हो जाएगा तुम्हारे फोन से एकदम। दिस मीन यू कैन प्ले फ्रॉम वेयर एवर यू आर। यही नहीं, परी मैच जो है न्यूबीज के लिए 500% तक का बोनस दे रहा है, अप टू 1,00,000 रुपीज तक तुम्हें मिल सकते हैं जिससे तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो और अपना आईसीसी एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल बना सकते हो। बट रिमेंबर गाइस, प्ले रिस्पॉन्सिबली, दिमाग लगा के अच्छे से। परी मैच के ब्रांड एम्बेसडर निकोलस पुराना और ये एकदम ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है गाइस। सारे के सारे जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो बिना सोचे समझे ज्वाइन परी मैच टुडे। ओके आगे बढ़ते हैं गाइस, एक और कंट्रोवर्सी चल रही है, पुकरा इंसान है एलविश यादव ने। लगभग सभी लोगों को पता होगा कंट्रोवर्सी के बारे में कि एलविश यादव ने ऐसा एलिगेशन लगाया पुकरा इंसान है ने उसकी टीम पे कि ये लोग नेगेटिव पीआर करा रहे हैं एलविश यादव के अगेंस्ट 25,00,000 रुपए लगा के। मतलब एक तरीके से तुम्हारे भाई की नेगेटिव पीआर चल रही है यार, प्रॉपर वाली भाई, मेरे पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह है भाई, ऐसे मत करो यार। सो इन एलिगेशंस में एलविश यादव ने डायरेक्ट किसी का भी नाम नहीं लिया। 25,00,000 रुपए फूंक दे मेरे पीछे भाई, 25,00,000 भाई मुझे दो, मैं निकालूंगा खूब सारी वीडियो अपने चैनल पे जिसके भी खिलाफ निकलवानी हो। तो कैसे, मैंने पिछली वीडियो डाली उसमें एलविश यादव के ऊपर 4-5 जोक मार दिए, एलविश यादव के फैंस शुरू हो गए, तू भी सह मिले बेटे नेगेटिव पीआर में, तू तो गया बेटे बेटी। कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं किसी के साइड नहीं रहता है, ऐसे हेट वेट फैलाने के चक्कर में अपना ये सब काम नहीं है। पर मेरे को जो लगता है उसने किसी और के लिए बोला है वो चीज जो लोगों ने गलत कॉन्टेक्स्ट में ले ली। अब इस पे है मेरी अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पिछली वीडियो में मैंने अपना ज्ञान दिया था, काफी लोग कमेंट सेक्शन में एग्री कर रहे थे मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से, तो मैंने कहा इस बार भी बताता हूँ। देखो सुनो, डिटेक्टिव बबलू जी है भाई, बात सुनो, बताएंगे, सुनो गौर से, एक गल सुन कॉर्नर। बिग बॉस खत्म हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया और अभी जो बिग बॉस की ऑडियंस उसे ज्यादा मौज मस्ती मजा नहीं मिल रहा, मसाला नहीं मिल रहा, उन्हें हर दिन कोई नया ड्रामा देखने की आदत पड़ी है। अभिषेक और एलविश को जो अभी ऑडियंस देख रही है वो बिग बॉस वाली बहुत ज्यादा देख रही है, तो इन दोनों ने प्लान करा हो रात को बैठ के फोन पे, एलविश भाई मेरे पास एक मस्त प्लान है, बताऊं क्या? काफी घंटे पहले बाद में बताइए। कंट्रोवर्सी करते हैं कंट्रोवर्सी, लोगों को मौज मस्ती मजा आना चाहिए पूरा पूरा। एलविश भाई क्या बोल रहा है कांत? ऐसा करके फिर दोनों ने सोचा हाँ बात तो सही है, मजा आ जाएगा, लोग क्यूरियस हो जाएंगे, हाँ सोचेंगे दोनों भाइयों में लड़ाई होगी तगड़ी करके, 25,00,000 रुपए खर्च करे जा रहे हैं, बहुत मोटा पैसा आ रहा है इनके ऊपर, इनके पास कोई भी केस सोल्व कर देता हूँ झूठ की हो मैं। तो गाइस एक बढ़िया सी एडवाइस दे रहा हूँ मैं तुम्हें, बहुत बढ़िया जी, तुम्हारे बहुत काम आएगी, कि तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी की लाइफ में उसके साथ क्या चल रहा है उससे ज्यादा तुम खुद के ऊपर गौर दोगे ना, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज के लिए ज्यादा परेशान होगे, बहुत बढ़िया रहेगा, कुछ कर बैठोगे जिंदगी में। फैन बनो, लोगों को पसंद करो, सपोर्ट करो, लेकिन ये नहीं कि तुम एक जने को पसंद करो दूसरे के खिलाफ जाकर गाली बकोगे, तेरी बहन की तू भसड़ी के गांडू। ऐसा नहीं करो भाई, अपने काम से ज्यादा काम रखो यार, बाकी मौज मस्ती लेते रहो, इलियाना का गर्म पिसाब पीते रहो। भाई ये चीजें समझ नहीं आया, यो एक कमेंट है बहुत पहले वायरल जो इलियाना की फोटो के नीचे था जस्सी का, मुझे तो नाम तक याद है लोंडे का, उनने डिमांड करी थी इलियाना का मूत पीने की, तब से चलता है कि इलियाना का मूत पीना है। सो अगला वीडियो है गाइस, बड़ा खतरनाक सा, ट्रेन जा रही होती है, दो बालक नीचे गिर जाते हैं बहुत ऊंचाई से। गाइस मस्त ट्रेन आ रही है सामने से, जैसे तुम देख सकते हो मौज मस्ती में लोग पूरी, एक गया नीचे किसी के साथ दूसरा भी गया, भाई कितनी गहरी है नीचे, देखो खुश होने की मुस्कुराने की बात नहीं है, हो सकता है दोनों चल बसे हो। बट यार इस वीडियो में एक चीज मिसिंग थी, क्या हुई? मारियो वाला साउंड इफेक्ट, ये एक और चीज मिसिंग थी। एलविश भाई बंद करो हाथ जोड़ के, मैं एलविश भाई, देखो जोक्स अपार्ट भाई बहुत ज्यादा गलत चीज है, इन लोगों का तो पता नहीं क्या होगा, ये जो ऊपर खड़ा है इनका भी तो नहीं पता इनके साथ कब क्या हो सकता है, कैसे इतने नॉर्मली खड़ा है सब ये। बाकी ये मैंने वीडियो में इंक्लूड इसलिए किया है कि कोटा वालों को बता दूं, पंगे के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं भाई, ये सारी चीजें मत करो, बिल्कुल भी मत करो, ऐसी जगह पे जाए मत। ठीक है इस वीडियो खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो देखकर मजा आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल, परी में ज्वाइन करो भाई, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो एंड ज्वाइन एंड प्ले, मौज मस्ती करो।